साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज चैनल पर। रीट भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी और उसमें लिस्ट जारी की गई थी, उसमें एससी की पोस्ट नहीं थी, एससी के अभ्यर्थी जो थे उनको शामिल नहीं किया गया था। वो कारण क्या था, नहीं था, जनरल वाले ज़्यादा थे, जो भी कारण रहा होगा, आरक्षण को लेकर जो भी मुद्दा था, तो दोस्तों उनमें से राम निवास और अनिल कुमार की याचिकाओं की सुनवाई हुई आज और रीट भर्ती 2018 से लेवल मामला जुड़ा हुआ है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, यहाँ पर एकदम सही सटीक और विशेष खबरें आपको मिलने वाली है। तो रीट भर्ती 2018 की लेवल 1 से जुड़ा मामला है और हाईकोर्ट जोधपुर ने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। दोस्तों केवल एक कैटेगरी विशेष के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था सूची में, राम निवास और अनिल कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। दोस्तों रीट भर्ती 2018 लेवल 1 से जुड़ा मामला था, जोधपुर हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाया स्टे। केवल एक कैटेगरी विशेष अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना था इस सूची में, राम निवास और अनिल कुमार की याचिकाओं की हुई सुनवाई। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने दिया स्थगन आदेश। एडवोकेट सुनील बिश्नोई ने रखा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। गत माह निदेशालय ने जारी की थी करीब 896 पदों पर प्रतीक्षा सूची। कैटेगरी के अनुसार सूची निर्धारण जिला आवंटन में खामियों को लेकर दायर की गई है याचिका। जैसे दोस्तों बोर्ड तैयारी कर रहा है ज्वाइनिंग की और बीच में स्टे आना, थोड़े से जिनका लिस्ट में नाम था उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है और मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, फैसला आए और आप सभी सरकारी विद्यालयों में हो। दोस्तों जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ हमारे ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे पहले, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, कौन कौन से शपथ पत्र हैं वो बनवाने हैं, पुलिस सत्यापन जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इस विस्तार से वीडियो आने वाला है। आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।